Welcome in my YouTube channel Matha Classes. So children's today we are discuss about the next topic, that is agriculture. Okay. So what is agriculture? We first try to know it. So children, the practice of growing different type of crops on a large scale is called agriculture. हम लोग कोई different type of अलग अलग जैसे crops है उसको हम लोग large scale में जब grown करते हैं ठीक है तो तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं agriculture बोला जाता है ठीक है एग्रीकल्चर मीन्स आपका खेती करना जिसको हम लोग बोलते हैं हम बोलचाल भाषा में तो स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर तो चिल्ड्रेन देयर आर सम स्टेज हाउ वी आर डन द एग्रीकल्चर खेती बाड़ी हम लोग कैसे करेंगे ठीक है तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज प्रिपेयरिंग द सॉइल बिफोर फर्स्ट स्टेज इज वी आर प्रिपेयर द सॉइल सॉइल को हम लोग प्रिपेयर करते हैं बाय प्लॉगिंग उसको हल जोत के ठीक है तो क्या है द प्लॉग विच इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल ठीक है टर्निंग करते हैं इट इज मे बी डन बाई मैनुअली और बाय मशीन्स किसी भी तरह हम लोग इसको सॉइल को लूज कर सकते हैं ठीक है या उसमें बड़ा बड़ा पीस रहता है सॉइल का उसको हम लोग ब्रेक करते हैं ठीक है सो दैट प्लांट रूट्स ग्रो प्रॉपरली इन द सॉइल एंड ब्रीथ इन द सॉइल नेक्स्ट सोइंग द सीड्स After the soil has been plogged, good quality of seeds of crops are sowed in the soil. उसके बाद का स्टेज आता है हम लोग अच्छा क्वालिटी का गुड क्वालिटी का सीड्स हम लोग क्या करते हैं उसमें लगाते हैं खेत में ठीक है तो उसको बोलते हैं थर्ड स्टेज क्या है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स तो चिल्ड्रेन वी आर एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर सो दैट ऑल द क्रॉप्स प्लांट क्रॉप्स गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड दैट इज द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ठीक है एंड दीज आर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड देयर हेल्प टू हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट तो इसमें हम लोग जैसे मैन्योर या फर्टिलाइजर जो ऐड करते हैं तो वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देता है जिससे हमारा प्लांट क्या होता है वो अच्छा ग्रोथ करता है हेल्दी रहता है and we are getting good crops. Next, watering the field. ठीक है that is called irrigation. We time to time supply water in the agricultural field. उसमें हम लोग को पानी देना रहता है तो देखिए after adding the manure and fertilizer, the field are watered regularly. A good supply of water is essential for healthy growth of plant. Supplying of water to crops regularly is known as irrigation. Next, that is प्रोटेक्टिंग ऑफ द प्लांट चिल्ड्रेंस प्लांट्स में आप देखते हैं क्या लग जाता है इंसेक्ट लग जाता है कीड़ा लग जाता है ठीक है एंड सम अदर एनिमल्स लाइक द माउस ये सब क्या करता है प्लांट्स को क्रॉप्स को काट देता है तो यार प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इट उससे हम लोग को बचाना पड़ता है ठीक है तो आफ्टर द क्रॉप्स स्टार्ट ग्रोइंग दे आर स्प्रेड विद केमिकल सब्सटेंस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट इंसेक्ट मैंने कीड़ा लग जाता है पेस्ट मैंने जैसे आपका रेट हो गया चूहा जो फसल को नष्ट करता है हमारा क्रॉप्स को तो दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स रेस्पेक्टिवली बट वी आर यूज इन ए प्रॉपर अमाउंट ये सब भी हम लोग को सही अमाउंट में यूज करना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है इसलिए एक्सेस अमाउंट यूज नहीं करना चाहिए किसको इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स चिल्ड्रंस यू आर सी ऑल द पिक्चर्स यहाँ आपका रिलेटेड पूरा पिक्चर्स है प्लॉगिंग का देख रहे हैं फिश सोइंग का देख रहे हैं फर्टिलाइजर एडिंग इरिगेशन स्प्रेइंग द इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हार्वेस्टिंग स्टोरिंग द क्रॉप्स तो नेक्स्ट स्टेप चिल्ड्रंस दैट इज आवर गैदरिंग ऑफ द प्रोड्यूस जो हम लोग का प्रोड्यूस्ड हुआ उसको कलेक्ट करना गैदर करना जमा करना दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हार्वेस्टिंग बोलते हैं एंड द हार्वेस्टिंग मे बी डन बाय मैनुअली और बाय मशीन दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टर मशीन ठीक है मैनुअली जिसको हम लोग हाथ से काटते हैं तो इसमें उसके बाद आता है फसल को काटने का काम आता है ठीक है तो वंस द क्रॉप्स हैव ग्रोन फुल्ली दे आर कट Cutting of crops when they are fully grown is known as harvesting. After that, last stage, that is our
स्टोरिंग द क्रॉप्स, क्रॉप्स को स्टोर करना। क्या चीज़ है? फ्रेश क्रॉप्स कंटेन लॉट ऑफ मॉइस्चर। जो भी हम लोग क्रॉप्स काटते हैं उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है, नमी होता है, विच कॉज हार्म टू द क्रॉप्स। तो उसको हम लोग स्टोर करते हैं तो उसमें इंसेक्ट लग सकता है, हार्म हो सकता है, वो हमारा ख़राब हो सकता है। तो द हार्वेस्ट क्रॉप्स आर देयर फॉर ड्राई, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं किसमें, इन द सनलाइट एंड देन स्टोर इन ए जूट बैग। तब उसको हम लोग स्टोर करते हैं तो इन जूट बैग। और देयर आर सम ट्रेडिशनल प्रोसेस और ट्रेडिशनल वे टू स्टोर द क्रॉप्स। बहुत तरह देखते हैं काम में स्टोर करने का, बहुत अलग अलग ट्रेडिशनल जो हमारा पुराना ज़माना से चलते आ रहा है उसे भी हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ऑन स्टोरिंग द क्रॉप्स वी मस्ट बी यूज सम मेडिसिंस लाइक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बहुत तरह का उसमें चीज़ डाल के, केमिकल सब्सटेंस डाल के हम लोग स्टोर करते हैं, सो दैट इट इज़ नॉट हार्म बाय इंसेक्ट और अदर पेस्ट। ठीक है, ताकि उसको और कोई हानि नहीं पहुँचा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।